वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले यूपीएससी एग्जाम के लेटेस्ट अपडेट देखने वाले। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जितने भी मेरे आने वाला वीडियो, जैसे कि डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के वैकेंसी के वीडियो और गवर्नमेंट के स्कीम के वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। क्या यूपीएससी सिविल सर्विस सेवा परीक्षा से सीसेट हटेगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। सीसेट हटेगा या नहीं हटेगा सिविल सर्विस एग्जाम में से? मोदी सरकार ने दिया जवाब। आपको जवाब जानना है तो वीडियो एंड तक देखना। सीसेट एग्जाम यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड एग्जाम क्या मोदी सरकार रिमूव करेगा सिविल सर्विस एग्जाम की प्रोसीजर में? केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि सिविल सेवा परीक्षा से सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट का हटाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। देश में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का संचालन करते हैं। इससे तीन चरण में प्राथमिक प्रधान व साक्षरता होते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारत विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा सहित कुल अन्य पदों के लिए अधिकारियों का चयन होता है। सीसेट सिविल सेवा का प्राथमिक चरण क्या चरण का हिस्सा होता है? यानी आपको नीचे मैंने जो पढ़ के बताया इनमें क्लियर कर दिया है, यानी कि आपकी एग्जाम जो सीसेट एग्जाम 100% कंडक्ट होने वाली है यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्जाम से, वो सेपरेट नहीं होने वाली है। और आप इन एग्जाम में अच्छे से बैठ के MCQ टिक करके नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो। और जितेंद्र सिंह है उन्होंने रिप्लाई दे दिया है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, सी सेट हटने वाला नहीं है। यानी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए और बिना फालतू के न्यूज़ मत देखना दूसरी चैनल के। आप IAS बनने वाले हो तो आपको मैं पहले से बता देता हूँ, जैसे राज्यसभा TV में जैसे एक्सप्लेनेशन आता है गाइडलाइन का, हेडलाइन के न्यूज इन डेप्थ, 2 बजे का, मॉर्निंग का, मिड डे, वही मैं अपडेट करने वाला हूँ, इसकी वीडियो में बनाने वाला हूँ। डेली हेडलाइन का, इन डेप्थ का, इन स्टडी के वीडियो में बनाने वाला हूँ। थोड़े समय में ऐसा प्लेलिस्ट में ऑन करने वाला हूँ, ऑन आपके लिए मैं कर रहा हूँ यूपीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं हर डेली अपडेट कर देता हूँ करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के वीडियो, वो तो मैं अपडेट करता हूँ आपकी एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहां से आप प्रिपरेशन करके अपने इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का, करंट अफेयर का पूछे तो आप आसान से इस वीडियो देखकर दे सकते हो। तो मैं राज्यसभा TV में जैसे आता है एक्सप्लेनेशन, वैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, वो वीडियो भी आप देखना। दूसरा आपको ये बताना था कि आपकी एग्जाम 2020 की एग्जाम पोस्टपोन हो तो आपके फेवर में डिसीजन आएगा, तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप 2021 में एग्जाम दोगे तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपके सीसेट एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आएगा तो आपको इंटरव्यू में बैठने का मिलेगा। इंटरव्यू में बैठोगे और आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आधार, आपके कम्युनिकेशन के आधार, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर आधार, आपका इंटरव्यू अच्छा रहता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता IPS, IFS या तो IAS बनने से। तो आप सपोर्ट कीजिए, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड में क्या लिखना है उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए। मान लो आपका ट्विटर पर ट्रेंड आ गया, इनमें आपको सभी को टैग करना है, जैसे कि नरेंद्र मोदी को, वाइस प्रेसिडेंट को, अमित झा जी को, UGC के चेयरमैन को और एजुकेशन मिनिस्टर को, सबको आपको इसको हैशटैग पर लगाना है। यानी कि आपका ट्रेंड पर आ गया और सभी देखेंगे तो आपकी एग्जाम को मर्ज कर देंगे। कल का वीडियो, मर्जिंग का वीडियो आपने नहीं देखा, वो वीडियो आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी की जो सिविल सर्विस 2020 की एग्जाम है, प्रीलिम्स 2020 एग्जाम है, वो कैसे मर्ज करेगी और कैसे आपका कंडक्ट करने वाला है। तो वो वीडियो भी आप देखना, डेली करंट अफेयर देखना, जनरल नॉलेज की वीडियो देखना और वीडियो फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो साथ में देखें और साथ में प्रिपरेशन करते रहना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो सबके अपडेट आपको तुरंत मिल जाए।